मिल पाए जो हमें पसंद करते हैं. तो आई थिंक इट्स अ वेरी स्वीट जेस्चर बाय हेलो ऐप एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट ऑल माय फैंस. मैंने नहीं देखा था बट ऑफकोर्स मैंने थोड़े से उसके झलकियाँ देखी थी. बहुत इम्पॉर्टेंट है. आज हम जो भी हैं उन्हीं के वजह से हैं. तो ऑफकोर्स वट एवर आई एम इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम. सोशल मीडिया आई थिंक एक मैसेज पहुँचाने के का एक बहुत अच्छा ज़रिया है. एंड आई थिंक एप्स लाइक यू नो हेलो ऐप आई थिंक वो सही इंफॉर्मेशन आगे पहुँचाने में बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप लेता है. एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग. एंड जो भी चीज़ें आप चाहते हैं कि दुनिया को पता चले वो आप प्लीज़ पोस्ट करते रहें. मिसयूज़ तो हर चीज़ का ही होता है. तो ट्राई कि आप एक अच्छे इंसान बने और अच्छी चीज़ें पोस्ट करें और अच्छी इन्फॉर्मेशन आगे तक पहुँचाएँ. हाँ नहीं सॉरी मुझे नहीं पता है तो मैं उसके बारे में नहीं बता सकती. मैं पढ़ूंगी उसके बारे में अगर ऐसा है तो उसके बाद में बोलूँगी. ऑफकोर्स बिग बॉस के बारे में अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है बट लेट्स सी. नहीं ऑफर आया है बट लेट्स सी. इसी पिछले 3 साल से आ रहे हैं बट लेट्स सी. अरे बहुत इंपॉर्टेंस होती है भाई. हमें पता है कि हम कैसे निकाल के आए हैं टाइम यहाँ. सॉरी अभी बस मैं बस 3 दिन में निकल रही हूँ. इंडिया छोड़ के जा रही हूँ 2 महीनों के लिए. तो मुझे बहुत काम है और पर मुझे ये इवेंट कैंसिल भी नहीं करना था और मुझे आना था भले ही फिर थोड़े टाइम के लिए ही सही. बट ऑफकोर्स जितना ही टाइम मैं दे पाई मैं दे रही हूँ. रियली फैंस को जो भी कहना चाहूँगी वो तो अभी कह ही दूँगी ना. मिल ही रही हूँ उनको.